मांधाता विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने 22,129 मतों से जीत हासिल कर एक बार फिर इतिहास रच दिया। पटेल की जीत की घोषणा के साथ ही आईटीआई के सामने खंडवा पुनासा रोड पर भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ जश्न मनाना आरंभ कर दिया। सुबह 8 बजे आईटीआई में मतगणना आरंभ हुई। पहले ही राउंड से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने बढ़त बनाना शुरू कर दी थी, जो अंतिम राउंड तक कायम रही और अंत में उन्हें जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि मतगणना शुरू होने के साथ ही आईटीआई के सामने भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था। जैसे जैसे मतगणना के राउंड बढ़ते गए, कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों के चेहरे निराशा से भर गए। मतगणना स्थल पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह समर्थक चौथे राउंड के बाद से ही यहां से जाने लगे थे। आपको यह जानकारी भी दें कि नारायण पटेल के विधायक की छोड़ पाला बदलकर भाजपा में जाने के बाद मांधाता में उपचुनाव करवाए जाने की नौबत आई थी। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।